देख सकते हो कॉल आ रहा है, तो सिंपल सा हम इस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो अभी हमने जो स्लाइड करा, या फिर कह सकते हो जो हमने फेस टाइप करा है, फ्लिप करा है, शेक करा है, तो उस तरीके से हमारा कॉल रिसीव हो चुका है एंड ऑटोमेटिक से रिसीव हुआ है। मैंने यहाँ पर टच भी नहीं करा एंड ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। इधर वीडियो के स्टार्टिंग पे जैसा कि आपने देखा, हमने जस्ट फोन को शेक करा एंड हमने वहाँ पर ही ऑटो कॉल को रिसीव करा था। तो कैसे ये सभी चीज़ें मैंने करा आज के इस वीडियो पर हम वही बताने वाले हैं एंड कैसे आप भी कर सकते हो अपने फ़ोन पर सेटिंग एंड गेम प्ले के समय आपको वो बहुत ही हद तक फ़ायदा देने वाली है। तो चलिए यार आज के इस वीडियो पर हम वही देखते हैं। एंड मेरे पास अभी रियलमी C11 डिवाइस है, आप चाहे तो किसी भी रियलमी एंड्रॉयड जो एंड्रॉयड डिवाइस है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो रेडमी सैमसंग किसी का भी हो। तो ऑब्वियसली चलिए अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक्स की तरफ। तो सिंपल सा इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि माइक्रो ड्रॉइड इस तरीके से एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक भी दे दूंगा, तो वहां पर टैप करके आप सिंपल सा उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम ओपन करते हैं अपना जो एप्लीकेशन उसको एंड यहां पर हम इसको बैक कर देते हैं एंड ऑब्वियसली इस पर आने के बाद हमें एक एक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप इन सभी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आराम से एडजस्ट कर सकते हो। तो कैसे, तो पहले यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हो ऐड मैक्रो नामक एक ऑप्शन है। तर एप्लीकेशन पर आने के बाद यहाँ पर हमें ऐड मैक्रो पर टैप करना पड़ता है। पर टैप करने के बाद सिंपल सा आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगी, पहला है ट्रिगर्स, दूसरा है एक्शन एंड तीसरा है कॉन्सेंट्रेंट्स। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन है एंड इन तीनों ऑप्शन पर हमें क्या सेट करना है वो भी बताते हैं। तो पहला हमें ट्रिगर सेट करना है। ट्रिगर यानी कि आप किस कंडीशन पर उसको इनेबल करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली ट्रिगर एक एक्शन की तरह ही कह सकते हो, एक्शन नहीं बट ट्रिगर, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम प्लस पर टैप करेंगे एंड प्लस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी ट्रिगर जैसे कि मैंने कहा एक हो सकता है कि यार एक ऑप्शन हो या फिर एक कंडीशन हो। तो बेसिकली यहाँ पर मैं सेंसर पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ्लिप डिवाइस। फ्लिप डिवाइस पर जाने के बाद एनी फेस कर देता हूँ, तो इस तरीके से फेस डाउन अगर मैं इस तरीके से करता हूँ फ़ोन को, तो वहाँ पर मुझे मेरा एक्शन क्रिएट होना दिखना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं एक्शन पर कॉल रिसीव करूँगा जो कि मेरा मेन एक्शन क्रिएट होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं फ़ोन पर आऊँगा एंड यहाँ पर मैं एंसर कॉल पर टैप करूँगा एंड यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ एंड तीनों ऑप्शन को ही इस तरीके से फिल करना है। और यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स पर यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल से प्लस आइकन पर जाएंगे एंड यहाँ पर हमें स्क्रीन ऑन रख देना है, मतलब स्क्रीन जब ऑन रहेगा तभी ये कंडीशन एक्टिव होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं स्क्रीन पर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर स्क्रीन पर जाके स्क्रीन ऑन सिलेक्ट, स्क्रीन ऑन पहले से ही सिलेक्ट है तो इसको हमें सिंपल सा ओके कर देना है। तो बेसिकली पूरा सेटअप यहाँ पर देख सकते हो, पहले मैंने फ्लिप डिवाइस जैसे कि देख सकते हो एनी फेस, मतलब इस तरीके से हम अगर करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्शन क्रिएट होना चाहिए। एक्शन क्या क्रिएट होगा, एंसर कॉल कब होगा, जब हमारा स्क्रीन ऑन रहेगा। तो बेसिकली हमने सारा कंडीशन सेट करा और इसको एक नाम दे देते हैं एंड यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं एंड यहाँ पर इसको हम सेव कर देते हैं। तो अभी के लिए जैसे कि मैक्रोस पर आएंगे तो ये वाला कंडीशन अभी मेरे पास सेव है एंड ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा है कि यार आपका एक मैक्रो सेट भी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बैक कर देते हैं। तो अभी हम चेकआउट करते हैं कि यार कॉल हमारा ऑटोमेटिक से रिसीव होता है या नहीं। तो बेसिकली उसके लिए मेरे पास एक सेकेंड डिवाइस है तो इससे ही हम कॉल करते हैं। तो अभी हमने कर लिया है कॉल एंड देखते हैं कि यार हमारा फ़ोन कॉल्स कैसे रिसीव होता है या फिर होता है या नहीं। सिंपल सा इस तरीके से हम अगर शेक करते ऊपर नीचे, मतलब इस तरीके से एनी फेस करते हैं, तो जैसे कि देख सकते हो ऑटो कॉल रिसीव हो चुका है एंड यहाँ पर आप बात भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यार आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल से यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये सभी ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाते हैं गेम के अंदर एंड गेम के अंदर ये अप्लाई होता है या नहीं वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने डेटा ऑन करा एंड यहाँ पर हम फ्री फायर को ओपन करते हैं एंड फ्री फायर पर आने के बाद बहुत सारे बंदे मुझे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार हमारा फ्री फायर के अंदर या फिर कोई भी पबजी बैटल ग्राउंड या फिर कौन सा भी गेम हो तो वहाँ पर वो खेलते हैं, तो गेम खेलते समय अगर किसी का भी कॉल आता है तो वो रिसीव करने जाते एंड उनका गेम बैक हो जाता है। बट ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद मुझे नहीं लगता कि यार आपका ये प्रॉब्लम फिर से आपको दिखाई देगा। बेसिकली एक सोल्यूशन भी कह सकते हो, तो यार एक बार अप्लाई करके देखना, मेरे मुताबिक आपको सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यार अभी के टाइम पे हम आ चुके हैं गेम के अंदर एंड यहाँ पर हम एक बार कॉल करके देखते हैं कि यार हमारा जो हमने जो एक्शन क्रिएट करा था वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो सिंपल से हम यहाँ पर कॉल लगाते हैं एंड हमें शेक करना है ऊपर से नीचे, मतलब फ्लिप करना है अप डाउन। तो सिंपल सा मैंने वहाँ पर डाउन ही सिलेक्ट करा था, अप डाउन भी था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी जैसे कि देख सकते हो कॉल आ रहा है, तो सिंपल सा हम इस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो अभी हमने जो स्लाइड करा, या फिर कह सकते हो जो हमने फेस टाइप करा है,
फ्लिप कराए, शेक कराए, तो उस तरीके से हमारा कॉल रिसीव हो चुका है एंड ऑटोमेटिक से रिसीव हुआ है। मैंने यहाँ पर टच भी नहीं करा एंड ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन काफ़ी सही है एंड फिर से मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा मैंने दोबारा कॉल करा एंड यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं कि यार फिर से हमारा जो एक्शन है वो काम करता है या नहीं। तो बेसिकली अभी हमारे पास कॉल भी आ चुका है एंड जैसे कि मैंने पहले तरह इस तरीके से हम शेक करेंगे, तो जैसे कि अभी देख सकते हो मैंने उस तरीके से शेक करा एंड ऑटोमेटिक सा मेरा कॉल रिसीव हो चुका है। इस एप्लीकेशन को आप फ्री में यूज़ कर सकते हो तो यार जरूर से इसको इंस्टॉल कर लेना एंड काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। चाहे तो आप इससे कोई भी एक्शन क्रिएट कर सकते हो, वो हो सकता है आप किसी का कॉल रिजेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस तरीके से अगर अलग तरीके से शेक कर दे तो वहाँ पर कॉल भी रिजेक्ट कर सकते हो, रिसीव करना है तो अलग तरीके से। तो सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और किसी वीडियो पर, इस वीडियो पर सिर्फ कैसे आप कॉल रिसीव कर सकते हो वही बताया है। तो सिंपल सा अच्छा ट्रिक है, तो यार ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।